नमस्कार, मैं अंजना शर्मा आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हमारे साथ हैं अजय शर्मा, सहायक निदेशक शिक्षा शिमला हिमाचल प्रदेश। वे दुनिया के पहले शख्स हैं जिन्होंने 2250 वर्ष पुराने आर्किमिडीज सिद्धांत और 110 वर्ष पुराने न्यूटन के नियमों में संशोधन किया है। इनकी दो पुस्तकें बियॉन्ड न्यूटन एंड आर्किमिडीज और बियॉन्ड न्यूटन एंड E=MC² इंग्लैंड से प्रकाशित हो चुकी हैं। इनकी दोनों पुस्तकें भारत सरकार के पास विचाराधीन हैं। वे भारत सरकार से अपील कर रहे हैं कि उनके शोध कार्य पर सेमिनार किए जाएं। वे वैज्ञानिकों के प्रश्नों का उत्तर लिखित रूप से देंगे। आइए इस विषय पर इनसे सीधी बात करते हैं। आपसे पहला प्रश्न हमारा है, सर, दुनिया के 7.29 अरब या 7.29 बिलियन लोग 2265 वर्ष पुराने आर्किमिडीज के सिद्धांत, 330 वर्ष पुराने न्यूटन के नियमों और आइंस्टीन के समीकरण E=MC² को सही मानते हैं, फिर भी आपने इनका संशोधन किया है। मैंने न्यूटन, आइंस्टीन और आर्किमिडीज के नियमों को अपडेट किया है, इनका संशोधन या मॉडिफिकेशन किया है। जब हजारों साल पहले ये नियम बने थे तो उसमें एक्सपेरिमेंटल और मैथमेटिकल आधार ना के बराबर था, तब ये नियम सही थे। आज के संदर्भ में नियमों को अपडेट करना या उनमें संशोधन करना लाजमी है। मैं एक बार फिर कहता हूँ कि मैं नियमों को पूरी तरह गलत नहीं कह रहा हूँ, उन्हें आगे बढ़ा रहा हूँ, उन्हें पूर्ण या कंप्लीट कर रहा हूँ। सर, चलिए आपकी बात मान लेते हैं कि आपने अजय समझे जाने वाले न्यूटन, आइंस्टीन और आर्किमिडीज के नियमों को अपडेट किया है, पर क्या वैज्ञानिक जगत आपसे सहमत है? मेरे शोध पत्र या रिसर्च पेपर्स पूरी वैज्ञानिक जांच पड़ताल के बाद मान्यता प्राप्त अमेरिका, यूरोप के जर्नल्स में प्रकाशित हो चुके हैं। मुझे विदेशों से लगभग 90 अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंसों से इनविटेशन मिल चुके हैं। मेरी रिसर्च कॉन्फ्रेंसों की प्रोसीडिंग में छप चुकी है। इसके अतिरिक्त मेरी दो पुस्तकें बियॉन्ड न्यूटन एंड आर्किमिडीज और बियॉन्ड आइंस्टीन एंड E=MC² कैम्ब्रिज, लंदन से प्रकाशित हो चुकी हैं। मैं यहाँ यह कहना उचित समझता हूँ कि कैम्ब्रिज वो जगह है जहाँ से न्यूटन ने अपनी प्रिंसिपिया पुस्तक प्रकाशित की थी और सारी जिंदगी कैम्ब्रिज में ही रिसर्च की थी। मैं भारत सरकार से प्रार्थना कर रहा हूँ कि मेरे शोध कार्य पर स्वतंत्र रूप से सेमिनार करवाए जाएं। मैं वैज्ञानिकों के प्रश्नों का उत्तर लिखित रूप से दूंगा ताकि रोज़ का ये झगड़ा ही खत्म हो जाए। आप अपने बारे में भी कुछ बताइए। मेरा जन्म हिमाचल के बिलासपुर ज़िले के बरठी गांव में हुआ था। मेरे पिताजी टीचर और कवि थे। उनका मानना था कि रोटी पर पहला हक गरीब का है। मेरी माताजी गृहिणी या हाउसवाइफ थी। मेरी पत्नी अंजना शर्मा रिपन हॉस्पिटल शिमला में डाइटिशियन के पद पे है। मेरी बेटी नोएडा में HCL कंपनी में इंजीनियर है और बेटा अभी पढ़ रहा है। मैंने BSc और MSc दोनों फर्स्ट डिविजन्स में पास की और अपने कैरियर की शुरुआत DAV कॉलेज चंडीगढ़ से लेक्चर फिजिक्स के रूप में की है। जितनी भी मेरी आज सारी रिसर्च है, यह मेरे अपने और मेरे परिवार के पैसे के ऊपर मैंने की है, वही पैसा इसमें खर्च हुआ है। जी, आप कह रहे हैं कि न्यूटन की गति का दूसरा नियम न्यूटन ने नहीं दिया था, जबकि दुनिया के 220 देशों में यह पढ़ाया जाता है कि F=MA न्यूटन ने ही दिया था। ये कैसे संभव है? अगर आप मेरी बात से सहमत नहीं तो बताइए कि न्यूटन ने किस लेख, किस पुस्तक और किस लेक्चर में और कब गति का दूसरा नियम F=MA दिया था? आप सिद्ध कर दीजिए कि न्यूटन ने गति का दूसरा नियम F=MA नहीं दिया था, तो फिर या किस वैज्ञानिक ने कब और कैसे लेख में दिया था?
देखिए मेरे पास कुछ पत्र हैं, एक न्यूटन की पुस्तक प्रिंसिपिया का है और एक मैथमेटिकल एसोसिएशन ऑफ अमेरिका की वेबसाइट से है जिसमें दूसरे साइंटिस्ट यूलर का काम उद्धृत कोट किया गया है जी। ये मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ और दर्शकों को भी। तो यहाँ से यह बात सिद्ध होती है, गति का दूसरा नियम न्यूटन की मृत्यु के 48 साल बाद यानी 1775 में स्विस वैज्ञानिक यूलर ने दिया था जी। मेरी बात का जीता जागता प्रमाण है मैथमेटिकल एसोसिएशन ऑफ अमेरिका वाशिंगटन की वेबसाइट। इस वेबसाइट में यूलर के लेख E479 पृष्ठ संख्या 223 पर इक्वेशन F=ma स्पष्ट रूप में दी है। इसी इक्वेशन पर आधारित डेफिनेशन को दुनिया के 220 देशों में न्यूटन के नाम पे पढ़ाया जा रहा है जो वास्तव में काम किसी और का है, यह ठीक नहीं है। हाँ, न्यूटन ने अपनी पुस्तक प्रिंसिपिया जो मैं अभी आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ 1687 के एडिशन के पृष्ठ संख्या 19-20 पर गति का दूसरा नियम दिया था, पर इसकी परिभाषा और इसकी डेफिनेशन पूरी तरह अलग है। इस विषय पर मैं अमेरिका टेक्सास में कॉन्फ्रेंस में भी बोल चुका हूँ, इसी विषय पर मेरा शोध पत्र अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस में भी प्रकाशित हो चुका है और इसी विषय को एक्सप्लेन करते हुए मैंने दो पुस्तकें भी लिखी हैं। वाह सर, यह तो आपने बहुत ही पते की बातें बता दी। अब आप थोड़ा सा और कुछ हमें ज्ञान दें। सर, न्यूटन की गति का तीसरा नियम विश्व का सबसे मशहूर नियम है। इसके अनुसार प्रतिक्रिया हमेशा क्रिया के बराबर होती है या रिएक्शन इज ऑलवेज इक्वल टू एक्शन, यह नियम कैसे गलत है? हाँ, इस बात में कोई शक नहीं कि दुनिया का सबसे मशहूर और जाने जाने वाला नियम न्यूटन की गति का तीसरा नियम है। यह डेली लाइफ और फिलॉसफी में भी उतना ही एप्लीकेबल है जितना फिजिक्स में। हाँ, मैं ये कह रहा हूँ कि यह नियम गलत नहीं है, पर यह नियम अधूरा जरूर है और इस नियम की डेफिनेशन में जो पुनः मैं आपको दिखा रहा हूँ प्रिंसिपिया के पेज 20 के ऊपर, तीसरा नियम न्यूटन ने कहा है वस्तु या बॉडी, वस्तु लोहे लकड़ी रबड़ ऊन स्पंज की भी हो सकती है। न्यूटन के मुताबिक सभी वस्तुओं पर अगर एक्शन बराबर है तो प्रतिक्रिया रिएक्शन भी बराबर होनी चाहिए, पर ऐसा होता नहीं है। न्यूटन के नियम की सबसे बड़ी खामी यह है कि वस्तु की प्रकृति और संरचना की अनदेखी करता है। लोहे की वस्तु की प्रकृति अलग है और स्पंज या ऊन के वस्तु की प्रकृति अलग है, दोनों को एक ही श्रेणी में नहीं रखा जा सकता, जबकि न्यूटन ने दोनों को एक ही श्रेणी में रखा है। सर, आपके मुताबिक क्रिया और प्रतिक्रिया या एक्शन और रिएक्शन सभी प्रयोगों में बराबर नहीं होते, इसे साधारण प्रयोग में आप कैसे दर्शाएंगे? मान लो हमारे पास जी एक रबड़ हाँ जी और एक कपड़े की गेंद है। अच्छा। और दोनों को हम हाँ? दीवार पर फेंकते हैं जी। इस तरह फेंकते हैं कि उन पर हाँ? क्रिया जी? या एक्शन जी? बराबर है। तो लिया? न्यूटन के मुताबिक हाँ जी रिएक्शन भी बराबर होने चाहिए जी? प्रतिक्रिया भी बराबर होनी चाहिए। हाँ, हाँ, बिल्कुल। पर ऐसा होता नहीं है। हाँ जी। इसीलिए रबड़ की गेंद तेजी से वापिस आती है और कपड़े की गेंद धीरे धीरे वापिस आती है। अगर
एक्शन एंड रिएक्शन दोनों बराबर होते तो दोनों गेंदों को बराबर समय पे बराबर तेजी से वापिस आना चाहिए था, तो इस प्रयोग में न्यूटन का नियम पूरी तरह सही नहीं है। आप न्यूटन के तीसरे नियम की खामी की वजह और अपने संशोधित सिद्धांत के बारे में कुछ बताइए। देखिए, संशोधित सिद्धांत भी न्यूटन के मूल सिद्धांत से ही निकला है। जैसा मैंने पहले कहा, तीसरे नियम की मुख्य खामी यह है कि यह वस्तु की प्रकृति और संरचना की अनदेखी करता है। गति के तीसरे नियम की संशोधित फॉर्म है, क्रिया और प्रतिक्रिया हमेशा बराबर हों यह जरूरी नहीं। जबकि न्यूटन ने कहा था क्रिया और प्रतिक्रिया हमेशा हमेशा बराबर होते हैं। जब हम सिद्धांत को संशोधित करते हैं, माना न्यूटन की गति के तीसरे नियम को, तो इक्वेशन लिखते हैं, उन इक्वेशन में एक अतिरिक्त फैक्टर या घटक आ जाता है। यह घटक वस्तु की प्रकृति और संरचना की व्याख्या करता है। इस तरह संशोधित नियम में न्यूटन के 1687 के नियम को आगे बढ़ाया गया है और इसमें इसे कई और प्रयोगों से, जैसे इलास्टिक कोलिजंस इन वन डायमेंशंस द्वारा भी समझा जा सकता है। सर, अब विज्ञान की जटिलता से हटकर एक सामान्य प्रश्न पूछते हैं, आपके मन में ये लीक से हटकर विचार कब आने लगे थे? स्कूल में पढ़ाया गया कि अरिस्टोटल के कथन के अनुसार भारी वस्तु तेजी से गिरती है और हल्की वस्तु धीरे धीरे। स्कूल से छुट्टी हुई और मैं छत पर चढ़ गया, अलग अलग वस्तुएं फेंकी और देखा कि वाकई वस्तुएं वैसे ही गिर रही हैं जैसे टीचर्स ने पढ़ाया था। यूं मानो साइंस में इट वाज लव एट फर्स्ट साइट। 1982 में जब मैं बीएससी सेकंड ईयर में था तो मैंने खुलेआम कह दिया न्यूटन, आइंस्टीन, आर्किमिडीज के नियमों में संशोधन की आवश्यकता थी। ऐसा कहने का मतलब था कि दुनिया से दुश्मनी मोल लेना। हर स्तर पर विरोध हुआ। मानसिक तनाव के कारण कभी ऐसा लगने लगा कि बीएससी ही नहीं हो पाएगी। अतः इस मुद्दे पर बातचीत बंद की और अपना काम जारी रखा। फिर बीएससी, एमएससी फर्स्ट डिवीजन में पास की और डीएवी कॉलेज चंडीगढ़ में लेक्चर फिजिक्स के रूप में कार्य करने लगा। इतने विरोध के बावजूद आपने रिसर्च का काम कैसे जारी रखा? रात कितनी काली क्यों ना हो, चलने वालों के लिए तारे की रोशनी ही काफ़ी होती है। वाह, क्या बात है जी। जब मैं एमएससी फिजिक्स कर रहा था, हाँ जी, तो मैंने पाकिस्तानी नोबल लॉरेट और इंटरनेशनल सेंटर फॉर थियोरेटिकल फिजिक्स, हाँ जी, के फाउंडर डायरेक्टर प्रोफेसर अब्दुल सलाम को लेख भेजे। उनका रिस्पांस बहुत पॉजिटिव था। अच्छा। इस तरह मनोबल दृढ़ होता गया जी। और यह कार्य जारी रहा। आपने विश्व के सबसे पुराने अर्थात 265 वर्ष पुराने सिद्धांत का क्यों संशोधन किया है? यह कोई पैमाना नहीं कि यदि नियम 265 वर्ष पुराना है, हाँ, या सबसे पुराना है जी, तो उसके ऊपर विचार न किया जाए। अच्छा। सोचा ना जाए। अच्छा। आर्किमिडीज का सिद्धांत व्यावहारिक रूप से वस्तु, हाँ, के आयतन, हाँ, या वॉल्यूम का ही जिक्र करता है। इस सिद्धांत की मुख्य खामी यह है, हाँ जी, कि वस्तु के आकार, हाँ जी, या शेप ऑफ बॉडी की अनदेखी करता है। सिद्धांत के अनुसार वस्तु के आकार का कोई महत्व नहीं है। अच्छा जी। रोजमर्रा के प्रयोगों में वस्तु के आकार के प्रभाव को समायोजित करने के लिए सिद्धांत का संशोधन किया गया है। संशोधन से सिद्धांत पूर्ण
या परफेक्ट हो जाता है। यहाँ मैं फिर कह रहा हूँ, मैं इस सिद्धांत को गलत नहीं मात्र अधूरा कह रहा हूँ और उसे पूरा या परफेक्ट बना रहा हूँ। आपकी शोध और पुस्तकों में दर्शाया गया है कि आर्किमिडीज का सिद्धांत 1935 वर्ष तक बिना गणित की इक्वेशन के ठीक समझा जाता रहा है, यह कितनी अजीब बात है। बिल्कुल सत्य, आर्किमिडीज ने यह सिद्धांत 250 ईसा पूर्व में दिया था। सन 1687 में न्यूटन ने प्रिंसिपिया नामक पुस्तक प्रकाशित की। इस पुस्तक में गुरुत्वाकर्षण का नियम दिया। तब 1935 साल के बाद वेट और अप थ्रस्ट जैसी राशियों की परिभाषा दी गई। इस तरह आर्किमिडीज सिद्धांत पर इक्वेशंस लिखी गई। अच्छा। पर इससे पहले ही सिद्धांत बिना किसी चेकिंग के, बिना समीकरणों के स्थापित हो चुका था। जो समीकरण या इक्वेशंस 328 वर्ष पूर्व लिखे जाने संभव हुए थे, उनको वैज्ञानिकों ने चेक नहीं किया, इसीलिए नए रिजल्ट सामने आ रहे हैं मेरी शोध में। किसी भी सिद्धांत का महत्व उसकी परिभाषा से नहीं, उसके समीकरणों की प्रयोगात्मक चेकिंग से होता है। कई अवस्थाओं में सिद्धांत बिना प्रयोगों के लिए ही, बिना प्रयोगों के ही सही माना जा रहा है या अवैज्ञानिक एवं गलत है। सर, देखा जाए तो विज्ञान इसी का ही नाम है जो आपने अभी इतनी सुंदर व्याख्या की। तो थोड़ा एक प्रश्न और मेरे दिमाग में आ रहा है कि आप साधारण से प्रयोग द्वारा समझाओ कि गिरने वाली वस्तुओं के संबंध में आर्किमिडीज सिद्धांत की क्या खामी है। देखिए, हम आर्किमिडीज सिद्धांत से गिरने वाली वस्तुओं की व्याख्या करते हैं और सिद्धांत को यह बताना चाहिए जी कि कोई वस्तु 5 सेकंड में पानी में कितनी दूरी तक गिरेगी जी। या कोई अमुक वस्तु 10 सेकंड में पानी में कितनी दूरी तक गिरेगी, इसकी व्याख्या करने में सिद्धांत पूरी तरह असफल है और इसकी व्याख्या नहीं कर सकता जी। अच्छा, मान लो हमारे पास 1 किलोग्राम स्टील की छतरी नुमा वस्तु है। अच्छा। जिसका आकार छतरी की तरह है जी। या एक टेढ़ी मेढ़ी प्लेट है। अच्छा। दूसरी वस्तु स्टील की 1 ग्राम गोलाकार है जी। जिसका गोली की तरह शेप है। अच्छा। हम दोनों वस्तुओं, छतरी और गोलाकार वस्तु को जी। पानी के ड्रम में गिराते हैं। छतरी नुमा वस्तु धीरे धीरे नीचे गिरती है और गोलाकार वस्तु तेजी से नीचे गिरती है। आर्किमिडीज सिद्धांत के अनुसार छतरी नुमा वस्तु को भी और गोलाकार वस्तु को भी बराबर गति से गिरना चाहिए। जैसा मैंने पहले कहा, आर्किमिडीज का सिद्धांत वस्तु के आकार के बारे में कुछ नहीं कहता और इस प्रयोग में पूरी तरह गलत रिजल्ट देता है जी। ये तो बहुत ही खूबसूरत व्याख्या की आपने। क्या आर्किमिडीज सिद्धांत के संशोधन के बाद इस प्रयोग की व्याख्या की जा सकती है? बिल्कुल सही कहा आपने। अगर हम सिद्धांत की परिभाषा को थोड़ा बदलते हैं, अच्छा, फिर मेरी पहली ही बात आगे सामने आ रही है कि सिद्धांत को गलत नहीं कहा जा रहा है, अच्छा, अधूरा कहा जा रहा है। उसमें थोड़ी सी बदलाव के बाद एक अतिरिक्त फैक्टर या घटक इक्वेशंस में आ जाता है। अच्छा। और यह घटक या फैक्टर वस्तु के आकार और अन्य घटकों की व्याख्या करता है। इस तरह संशोधित सिद्धांत यह प्रेडिक्शन करता है कि छतरी नुमा वस्तु धीरे धीरे गिरेगी और गोलाकार वस्तु तेजी से गिरेगी। अच्छा। इस तरह संशोधित सिद्धांत प्रयोगों की व्याख्या करने में सक्षम है जी। बहुत अच्छा। सर, अभी तक तो आपने वस्तु के आकार की बात की, अब आप ये बताएं कि आर्किमिडीज का सिद्धांत तैरने वाली वस्तुओं की व्याख्या कैसे करता है? यहाँ भी एक बहुत ही रुचिकर बात सामने आती है। सिद्धांत के मुताबिक जी वस्तु तब तैरेगी
जब वस्तु का घनत्व या डेंसिटी जी पानी के घनत्व के बराबर होता है। अच्छा, उदाहरण के तौर पर हम गुब्बारे का एग्जाम्पल देते हैं। गुब्बारा ऊपर चढ़ता है जी और तैरना शुरू हो जाता है एक पॉइंट के ऊपर। उस समय हवा का घनत्व और गुब्बारे का घनत्व बराबर है जी। एक सुई हवा में गिर जाती है क्योंकि सुई का घनत्व हवा के घनत्व से ज्यादा होता है। अच्छा। अब दूसरी तरफ आप देखिए, एक सुई तो नीचे गिर जाती है लेकिन कई अवस्थाओं में स्टील से बने जहाज और हेलीकॉप्टर आकाश में तैरते हैं, वायुमंडल में तैरते हैं। अगर हम आर्किमिडीज सिद्धांत को वहां पे लगाएं तो उनकी डेंसिटी ज्यादा होगी और वो एकदम नीचे गिर जाएंगे जी। इसका अर्थ ये हुआ कि हमें इन वस्तुओं के मोशन को समझने के लिए कुछ और भी तथ्यों की आवश्यकता है और इसीलिए मैंने अपने शोध पत्रों में आर्किमिडीज सिद्धांत को संशोधित किया है, उसकी नई व्याख्या दी है, वहाँ एक नया फैक्टर लगाया है कि जो अन्य सभी बातों को ध्यान में रखता है। सर, अभी तक जो आपने हमें विज्ञान के बारे में बताया तो इससे हमारे दिमाग में एक बात आती है कि साइंस को समझने के लिए किसी भी सिद्धांत की विस्तृत जानकारी होना बहुत जरूरी है। तो अब थोड़ा सा आप अपने इस संघर्ष के बारे में बताएं कि आप इतने सालों से इस कार्य को लेकर संघर्ष कर रहे हैं, वो संघर्ष आपका एक तरह से मानसिक भी है और फाइनेंशियल भी रहा है, तो भारत सरकार ने आपको किस तरह की सहायता की है इस संघर्ष में आगे बढ़ने के लिए या इस संघर्ष से मुकाबला करने के लिए? सरकार की मदद से ही तो मैं इस कार्य को यहाँ तक लेकर आया हूँ जी। पिछले 27 वर्षों से हिमाचल प्रदेश सरकार एवं शिक्षा विभाग ने मुझे जो आधार दिया है जी, जो अच्छा वातावरण दिया है, उसी की वजह से मेरी दोनों पुस्तकें छपी हैं जी। 18 जून 2015 को जी, मैं माननीय साइंस एंड टेक्नोलॉजी मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन जी से भी मिला था। अच्छा। उन्होंने उसी समय मेरी दोनों पुस्तकें विभाग के सेक्रेटरी प्रोफेसर आशुतोष शर्मा को भेज दी कि आप इनके ऊपर कार्रवाई करिए और मेरी याचिका प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने भी डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी विभाग को भेजी है और मैं सकारात्मक उत्तर की अपेक्षा कर रहा हूँ। मैं सरकार से प्रार्थना करता हूँ, अपील करता हूँ या उम्मीद करता हूँ कि वो मेरी शोध कार्य के ऊपर खुले मंच में सेमिनार कराएंगे और मैं वैज्ञानिकों के प्रश्नों का उत्तर उसी सेमिनार में लिखित रूप से दूंगा, क्योंकि हर प्रश्न का उत्तर मेरे रिसर्च पेपर्स और मेरी पुस्तकों में मौजूद है जी। बहुत अच्छा। सर, आइंस्टीन को स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के पिता माना जाता है, पर आप कहते हैं कि आइंस्टीन सिर्फ इसके संकलन करता है, अर्थात आइंस्टीन ने लिटरेचर से रिलेटिविटी को इकट्ठा किया है। क्या हर जगह विवाद करना आपका मकसद है? मैं सिर्फ तथ्यों को वैज्ञानिक ढंग से प्रस्तुत कर रहा हूँ। रिलेटिविटी के मुख्य स्तंभ हैं दो पास्टुलेट और वेरिएशन इन मास विद वेलोसिटी, टाइम डायलेशन और लेंथ कॉन्ट्रैक्शन। ये सभी चीजें लिटरेचर में पहले से मौजूद थी, मौजूद हैं, इसके स्पष्ट प्रमाण हैं। अच्छा। आइंस्टीन ने जून 1905 के पेपर में किताबों से कॉपी करके सभी कंसेप्ट्स को अपने नाम पे छपवा लिया। अच्छा। रेफरेंसेस में गैलीलियो, थॉमसन, लॉरेंस, लार्मर, फिट्जेराल्ड, पॉइंटकेयर जैसे वैज्ञानिकों के नामों का कहीं उल्लेख नहीं है जिन्होंने ये धारणाएं दी हैं।
आइंस्टीन का शोध लेख जी जर्मन शोध पत्रिका एनल डर फिजिक में छपा था। एडिटर ने छापने से पहले इसकी जांच किसी भी वैज्ञानिक से नहीं करवाई। इस बात के प्रूफ लिटरेचर में है। अगर उस समय कोई वैज्ञानिक आइंस्टीन के पेपर की जांच करता तो आइंस्टीन की गलती या चलाकी पकड़ी जाती और यह शोध छपती ही नहीं। अच्छा। अब एक महत्वपूर्ण बात यहाँ पे मैं कहना चाहता हूँ कि हम देखते हैं कि महान गैलीलियो द्वारा 1932 में दिए गए प्रिंसिपल ऑफ रिलेटिविटी को 1905 में अर्थात 263 साल बाद आइंस्टीन ने कैसे अपना बना लिया। गैलीलियो ने यह सिद्धांत 1632 में अपनी पुस्तक डायलॉग कंसर्निंग वर्ल्ड्स टू चीफ सिस्टम्स में दिया था। आइंस्टीन ने गैलीलियो के काम को कॉपी करके 1905 में रिलेटिविटी शोध पत्र में फर्स्ट पास्टुलेट के रूप में अपने नाम से छपवाया और गैलीलियो का कहीं नाम तक नहीं है, जबकि लिटरेचर में पूरे साक्ष्य मौजूद हैं। अब एक इंटरेस्टिंग बात है, जहाँ तक न्यूटन का सवाल है, उनकी मृत्यु के लगभग 100 साल बाद वैज्ञानिकों ने यूलर के इक्वेशन F=ma को न्यूटन के नाम कर दिया। उसमें न्यूटन की मृत्यु हो चुकी थी, वो बिल्कुल भी इसमें इन्वॉल्व नहीं थे। पर आइंस्टीन ने जानबूझकर गैलीलियो सहित अन्य वैज्ञानिकों का काम अपने नाम पर कर लिया, या सही नहीं है? आइंस्टीन के समीकरण E=mc² पर एटम बम और न्यूक्लियर फिजिक्स आधारित है। आपने इसकी डेरिवेशन में खामियां निकाली हैं। हाँ, आइंस्टीन की 1905 की E=mc² की डेरिवेशन जी कई अवस्थाओं में तर्कहीन है और गलत रिजल्ट देती है। अच्छा। उदाहरण के तौर पर एक प्रेडिक्शन यह भी है जी कि अगर हम दिवाली के दिन मोमबत्ती को जलाते हैं जी तो वो होली तक जलती जाएगी और उसका भार भी बढ़ता जाएगा। अच्छा। ऐसा रिजल्ट भी आइंस्टीन की E=mc² की डेरिवेशन से निकलता है। आपने इसकी व्याख्या कैसे की है? आइंस्टीन की 1905 की E=mc² की डेरिवेशन तर्कहीन और गलत रिजल्ट भी देती है। उदाहरण के तौर पर अगर हम दिवाली के दिन मोमबत्ती को जलाते हैं अच्छा। तो वह होली तक जलती जाएगी अच्छा। और इसका भार भी बढ़ता जाएगा, यह पूरी तरह गलत रिजल्ट है। जी, ये तो थोड़ी अटपटी सी बात लग रही है, तो इसे आप और थोड़ा समझाएंगे हमें? आइंस्टीन ने इक्वेशन E=mc² को विशेष अवस्थाओं में ही जी डिराइव किया है। आइंस्टीन ने जी वेरिएबल्स के पैरामीटर्स के विशेष मान या वैल्यूज ही ली हैं। इस तरह E=mc² रिजल्ट निकाला है जिसके अनुसार जब मोमबत्ती जलती है तो उसका भार कम होना चाहिए। अच्छा। या सही रिजल्ट है जी। लेकिन आइंस्टीन ने डेरिवेशन में 1 अरब या 1 बिलियन वैल्यूज को नकारा है। अगर हम आइंस्टीन द्वारा ली गई वैल्यूज को थोड़ा बदलें जो तर्कसंगत भी है तो गलत रिजल्ट निकलते हैं। उदाहरण के लिए जब मोमबत्ती जलती है तो उसका भार बढ़ना चाहिए। अच्छा। या सरासर गलत है। इस डेरिवेशन की एक और खामी है, आइंस्टीन ने पहले प्रकाश ऊर्जा के लिए इक्वेशन ड्राइव की जी। फिर माना कि जो इक्वेशन प्रकाश ऊर्जा के लिए सही है वह ध्वनि ऊर्जा, ऊष्मा ऊर्जा, केमिकल ऊर्जा सभी ऊर्जाओं के लिए सही है या तर्कहीन रिजल्ट है। उदाहरण के लिए जो लाइट किसी वस्तु से निकलती है और जो साउंड मैं आपकी तरफ
ट्रांसमिट कर रहा हूँ जिसे हम साउंड एनर्जी कहते हैं, इनमें दिन रात का फर्क है और सभी प्रकार की ऊर्जाओं के लिए अलग अलग डेरिवेशंस और इक्वेशन होनी चाहिए। सर मुझे इसमें थोड़ा सा जटिलता नजर आ रही है, तो आप इसकी थोड़ी व्याख्या और करेंगे? हाँ, इसकी और व्याख्या के लिए तो हमें गणित के समीकरणों में जाना पड़ेगा, कई फैक्टर डिस्कस करने पड़ेंगे जो मैंने अपनी पुस्तकों में किए हैं, शोध पत्रों में किए हैं। अच्छा जी। लेकिन उसके बाद मैंने यही स्ट्रेस किया है कि E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर को एक नए तरीके से ड्राइव किया जाए। अच्छा। और नई इक्वेशन बनती है डेल्टा E इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर डेल्टा M। यहाँ पर ए कोफिशियंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी है, फिजिक्स में असंख्य कोफिशियंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटीज हैं, और नया समीकरण एक व्यापक समीकरण है और आइंस्टीन का समीकरण उसकी एक विशेष अवस्था है। जी सर, आप साइंस में एक नयापन लाने की कोशिश कर रहे हैं, या कहिए कि आपने साइंस में एक नयापन ला दिया है अपनी इस शोध कार्य के माध्यम से। तो एक प्रश्न मेरे दिमाग में और आ रहा है, मैं वो आपसे जानना चाहूँगी। सर आपने आइंस्टीन के 1907 में एनल्डर फिजिक में छपे शोध पत्र पर भी कड़ा प्रहार किया है। आइंस्टीन ने रेस्ट मास एनर्जी की डेरिवेशन में बिना इनपुट के आउटपुट प्राप्त किया है, या कैसे संभव हो सकता है? चलो पहले मैं आपके प्रश्न के पहले भाग का उत्तर दे दूं। जी। मैं शुरू से कह रहा हूं, मेरी रिसर्च पेपर्स में, मेरी बुक्स में या जहां भी कहीं बात होती है, मैं फिजिक्स को अपडेट कर रहा हूँ। जो स्थिति आज से हजारों साल, सैकड़ों साल पहले थी प्रयोगों की और एक्सपेरिमेंट्स की, आज वो स्थिति पूरी तरह बदल चुकी है और इन नियमों को अपडेट करने की आवश्यकता है। यह मेरी रिसर्च का मुख्य बिंदु है। हाँ, अगला पॉइंट आपने बताया कि आइंस्टीन की डेरिवेशन 1907 के पेपर में जो एनल्डर फिजिक जर्नल में छपी थी, उसके मुताबिक इनपुट के बगैर भी आउटपुट हो सकता है, या पूरी तरह गलत है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैटर के अगेंस्ट है। अब ये रिजल्ट कैसे आया, मैं संक्षेप में आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि ये मान लो ये कोई बॉडी है या वस्तु, और मैं इस पर थोड़ा सा बल लगाता हूँ, ये बॉडी आगे मूव करती है। उसके बाद आइंस्टीन ने माना कि ये वस्तु स्पीड ऑफ लाइट से मूव करना शुरू कर देती है, रिलेटिविस्टिक इफेक्ट्स आ जाते हैं, और एक हम इक्वेशन नंबर 1 से इक्वेशन नंबर 10 पे पहुंच जाते हैं। बीच की बात नहीं कर रहे हैं, बीच की बात एक टेक्निकल सी बात है, वो हम मैथमेटिकल स्टेप्स हैं वन आफ्टर अदर, तो इसलिए मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ कि पहली इक्वेशन से हम दसवीं इक्वेशन तक पहुँच जाते हैं और रिलेटिविस्टिक इफेक्ट्स इसमें अवेल इसमें लग रहे हैं। यहाँ पर दसवीं इक्वेशन पे आइंस्टीन ने एक शर्त रखी कि मान लो वस्तु स्थिर है और E rest is equal to m rest c square इक्वेशन ड्राइव की, लेकिन मेरा ये मानना ये यहाँ पे यह है कि जो शर्त आपने लगाई कि मान लो वस्तु रेस्ट पे है, उस समय पहली इक्वेशन जीरो है, बाकी दस इक्वेशंस नॉन एग्जिस्टेंट है, उनका कोई वजूद नहीं है, उनका कोई अस्तित्व नहीं है। तो जिस इक्वेशन का वजूद नहीं है, नॉन एग्जिस्टेंस है, अस्तित्व नहीं है, उससे कोई भी हम इक्वेशन ड्राइव नहीं कर सकते। ये आइंस्टीन की डेरिवेशन की प्रमुख खामी है और इसी बात को मैंने यहाँ पे हाईलाइट किया है। सर आपने बड़ी बखूबी समझा दिया कि ये निष्कर्ष कैसे आए हैं पहले। अब आप थोड़ा सा एक प्रश्न का उत्तर और दे दें हमें। आप न्यूटन, आइंस्टीन और आर्किमिडीज के नियमों पर पिछले 33 वर्षों से रिसर्च कर रहे हैं, आपका अपनी शोध और भारतीय विज्ञान का भविष्य कैसा लगता है? ब्राइट, ब्राइट और सिर्फ ब्राइट। माननीय साइंस एंड टेक्नोलॉजी मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने मेरी दोनों पुस्तकें बियॉन्ड न्यूटन एंड आर्किमिडीज, बियॉन्ड आइंस्टीन एंड ई इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी को मूल्यांकन हेतु भेजी हैं। ये किताबें फरवरी 2015 से डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के पास है। उसके पास माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने भी मेरी याचिकाएं डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी को भेजी हैं कि इनके ऊपर आप विचार करो। मेरा भारत सरकार से सिर्फ यही
एक अपील है, यही प्रार्थना है कि मेरे शोध कार्य पर खुले मंच पर सेमिनार कराए जाएं और मैं वैज्ञानिकों के प्रश्नों के उत्तर उसी खुले मंच के ऊपर लिख कर दूंगा, ताकि ये जो सस्पेंस है, जो स्थिति बनी हुई है, वो एकदम खत्म हो जाए। और मेरा पूरा मानना है कि मेरा शोध कार्य, क्योंकि अमेरिका यूरोप में छप चुका है वैज्ञानिकों की जांच पड़ताल के बाद, यह सही है। और जब इसका पूरा निष्पादन होगा तो भारत आधारभूत नियमों के संबंध में विश्व शक्ति के रूप में उभरेगा, एक सुपर पावर बनेगा। सर, आपको आपकी कड़ी मेहनत के लिए और इस लगन के लिए सभी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद, यही मेरी शक्ति है कि मैं ये काम कर रहा हूं, और मुझे उम्मीद है कि मैं 127 करोड़ भारतीयों के लिए और भारतवर्ष के लिए एक सम्मान अर्जित करूंगा और भारत पुनः इस फील्ड में सुपर पावर बनकर उभरेगा।